हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन में से क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 14.2 के हमने ऑलरेडी कर लिए हैं लास्ट वीडियो में। अब देखिए, अगेन फैक्टराइज। फैक्टराइज में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, आप सब बच्चों को पता है, कॉमन। क्या निकालना है हमें? कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है तो हम आगे पहले कॉमन ही फाइंड करेंगे। देखिए, ए एक्स स्क्वायर एंड बी एक्स में एक्स कॉमन है तो एक्स निकाल देते हैं, सिंगल ही बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर बच गया ए एक्स प्लस बी, आंसर के आगे सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए, 7 और 21 में 7 कॉमन है, पी और क्यू तो कॉमन नहीं आ सकते, ये एज इट इज़। 7 से 21 होता है एंड क्यू स्क्वायर। देन इन सब में देखिए, सबके पास 2 है तो पहले 2 कॉमन निकाल देते हैं। एक्स कितने आ सकते हैं यहाँ पे? 3 है, पावर 1 है और 1 है तो एक ही आ सकता है, मिनिमम वाले बाहर आ सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। इसमें हम 2x कॉमन आने के बाद देखिए, y कॉमन इसमें है y, बट इसमें y नहीं है और इसमें भी नहीं है तो और कॉमन नहीं आ सकता। तो यहाँ 2 तो बाहर आ गया और 3 में से 1x बाहर है, अंदर हमारे पास 2x बच गए। यहाँ पे x रेज टू पावर 2 प्लस 2 एंड x ऑलरेडी बाहर है, वाई स्क्वेयर बच गया, 2x बाहर है और हमारे पास बच गया जेड स्क्वेयर। ये हमारी टर्म फैक्टराइज हो गई, दोनों फैक्टर्स आ गए हमारे। अब यहाँ देखिए, ए एम स्क्वेयर बी एम स्क्वेयर, अब सब में m नहीं है, सब में a नहीं है, सब में b नहीं है, तो हमें पता है सब में से एक ही बार कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देन सेकेंड रूल क्या था? रीग्रुपिंग या रीअरेंजिंग। अब यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप। इस ग्रुप में से एम स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। इस ग्रुप में से एन स्क्वेयर बाहर और बी प्लस ए। ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, एक ही बात है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो ए प्लस बी कॉमन आ गया और हमारे पास रह गया एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। देन ध्यान से देखना आपने इसमें भी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे एल है, ये दोनों ब्रैकेट में है और एम और वन, और इसमें तो एल नहीं है, कुछ सब में कुछ कॉमन नहीं है तो ग्रुप हो गए। फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, इस ग्रुप में से एल बाहर आ रहा है, बचा एम प्लस वन। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने आपको सिखाया जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं? वन। तो एम प्लस वन, एम प्लस वन एक बार आ गया और बचा गया हमारे पास एल प्लस वन। देन अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, यहाँ पे z ऑलरेडी हमारे पास ये दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म में एक चीज़ ऑलरेडी कॉमन है तो सीधा उसको बाहर निकालते हैं, अंदर बच गया y प्लस नाइन, ऑलरेडी कॉमन दिया हुआ था हमें। देन अब यहाँ देखिए, पूरे सम को आपने ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कि किस में क्या आपको कॉमन लग रहा है। जैसे इन दोनों टर्म्स में सब में से एक ही बार कुछ कॉमन नहीं आया तो ग्रुपिंग ग्रुप्स तो बनेंगे, तो अगर हम इन दोनों का ग्रुप बना लें एंड 5y कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा? 1y एंड 4 माइनस, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं और z भी दोनों के पास है, अंदर क्या बच गया? यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ हो जाएगी जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4 पहले आ रहा है और y बाद में, तो यहाँ पे हमें सम सॉल्व करने से पहले क्या करना चाहिए? रीअरेंज भी, जैसे हमको बताया था कि रीग्रुपिंग भी और रीअरेंजिंग भी करनी पड़ती है। तो हम अरेंज कर लेते हैं, पहले 5x² - 25 तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 2yz को पहले और 8z को बाद में ले जाते हैं। 5y कॉमन, y - 4 प्लस यहाँ पे 2z कॉमन और बच गया y - 4। देखिए सेम बना आपका, y - 4 एक बार आ गया और 5y प्लस 2z सेकेंड फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों में से 2a बाहर निकाल दें तो उन तो बच रहा है 5b प्लस 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, अगेन 5b प्लस 2 सेम आ रहा है, 5b प्लस 2 एक बार आ गया और बच क्या गया? 2a प्लस 1, ये सेकेंड फैक्टर हो गया आपका। देखिए अब ध्यान से देखना हमें रीअरेंजिंग की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। अगर हम इन दोनों में से 2y बाहर निकाल दें तो बचेगा 3x - 2 और यहाँ पे x बाद में बच रहा है तो हमें रीअरेंज यहाँ भी करना होगा, क्योंकि जब यहाँ हम कॉमन निकाल रहे हैं, आपने बस इतना ही ध्यान देना, ये प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे अगर x पहले आ रहा है तो यहाँ भी x वाली टर्म आपके पास पहले होनी चाहिए, तो -9x को पहले लिख लिया +6 को बाद में, यहाँ पे लिख देते हैं 2y, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 2 3 6x - 2, क्योंकि 2 2 4 है, y बाहर आ गया, यहाँ पे 3 बाहर, अंदर बच गया 3। माइनस माइनस प्लस, साइन का भी ध्यान देना है आपने, माइनस प्लस माइनस 3 2 6, तो 3x - 2 आपका एक फैक्टर है एंड 2y - 3 आपका सेकंड फैक्टर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में 3 किया है, किसी में कॉमन भी निकाला है, रीग्रुपिंग भी किया, तो आपको समझ आ रहा है सम? देखते देखते हमें समझ आ जाएगी कहाँ
रीग्रुपिंग करनी है, कहाँ कॉमन निकालना है। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन फैक्टराइज ही करना है, बट यहाँ पे मैं देख के एक बात समझ आ रही है, यहाँ पे कॉमन भी कुछ नहीं है और ग्रुप्स भी नहीं बन सकते क्योंकि दो ही टर्म्स दी हुई हैं आपको, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था ना 4 को हम क्या लिख सकते हैं, स्केयर का स्केयर, तो यहाँ पे लिख दिया स्केयर का स्केयर, और बी को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, जो अंदर होता है ना ब्रैकेट के, वो आपके लिए पूरी टर्म ही है चाहे वो कुछ भी है वैल्यू में। तो ए हमारे पास ए स्केयर और बी की जगह पे है बी स्केयर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी अंदर होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो ये तो आंसर आ गया, बट ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी होती है, तो उसको और खोल देंगे, दैट इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एज इट इज आ जाएगा, इसको नहीं खोलना क्योंकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की आइडेंटिटी नहीं होती। तो हमारे ये तीनों फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है पी, तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्केयर का स्केयर, और आप ध्यान से देखिए 81 क्या हो सकता है, 81 तो 9 का स्केयर, तो हमने यहाँ पे 9 का स्केयर लिख दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी जो बेटा आपके पास ब्रैकेट में होता है, तो यहाँ पे देखिए 9 का स्केयर तो 9 आपके लिए बी है, और दूसरी बार लिखेंगे ए प्लस बी। अब ए स्केयर प्लस बी 9 भी स्केयर है 3 का, बट 3 का स्केयर करके फिर भी 9 ही आया, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे हम और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3 का स्केयर, यहाँ पे 3 स्केयर लिखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि स्केयर की कोई आइडेंटिटी नहीं है प्लस में, तो फिर भी आपने 3 से 9 ही लिखना है, बट यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी और ये एज इट इज़। तो आपके पास ये फैक्टर्स आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से, यहाँ पे भी अगेन हम एक्स स्केयर का स्केयर और यहाँ पे भी इस वाई स्केयर का पूरी टर्म का अगेन एक और स्केयर करेंगे। तो पहले तो हम लिख देंगे इसको ए ले रहे हैं, ये पूरी टर्म हमारे पास बी है, तो मैंने लिख दिया ए स्केयर, मतलब जो भी ए है हमारा ए स्केयर, ये हाँ था ना, ये हमारे पास ए है ए स्केयर माइनस बी, तो मैंने पूरा लिख दिया ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम आगे अभी खोल सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है ना, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी देन ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ए स्केयर, ये है अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर मान लो, ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस में आइडेंटिटी तो नहीं होती, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की आइडेंटिटी नहीं लगेगी, बट यहाँ पे ये लग सकता है, दो टर्म्स है ना ए प्लस बी का होल स्केयर, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हो सकते हो, ए स्केयर प्लस टू ए बी टू इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड का स्केयर। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन की, एक्स माइनस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर पहले लिखना है, लिख सकते हो नहीं तो एज इट इज लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से प्रैक्टिस करना है। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्केयर का स्केयर और यहाँ पे एक्स माइनस जेड के स्केयर का स्केयर, अगेन ए माइनस बी यहाँ पे भी ए प्लस बी, जो भी टर्म है देखिए एक बार माइनस की एक बार प्लस की, यहाँ पे फिर से हो सकता है ए माइनस बी यहाँ पे ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस कम है, हम थोड़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ए स्केयर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, देन ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस देन एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स जेड प्लस जेड स्केयर। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, एक्स में से एक्स गए जीरो कट गया जेड रह गया, देन एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस जेड यहाँ पे टू एक्स स्केयर माइनस टू एक्स जेड देन प्लस एक्स स्केयर। ये आ गया आपका आंसर, इसको अपने ध्यान से करना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर और यहाँ पे बी स्केयर का स्केयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास टू इंटू ए जो भी ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे बी, तो ये यही बन रहा है ए स्केयर
माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्केयर, विच मीन्स ये नंबर दो बार आ रही है ये टर्म, तो ऐसे लिख दें एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे, सॉरी माइनस की ही हैं दोनों, तो हमने ऐसे लिख दिया। उसी टर्म को दो बार लिखने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको भी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ पे ए माइनस बी टू टाइम्स आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्केयर डाल के, और जहाँ हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया ये डिफरेंट जो क्वेश्चंस थे कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पे दो दो बार आइडेंटिटीज खुल रही हैं, पहले एक बार हमने खोली फिर आगे खुल रही है, उसको भी आपने पूरा ओपन करके आइडेंटिटी को सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट पार्ट है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14.2 का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। अब देखना तो हमें वही है जो मैंने आपको एक बार समझा दिया, वो रूल कभी चेंज नहीं होना कि पहले आपको कॉमन ही देखना। देखिए इन दोनों में से पी आ रहा है, इन दोनों में से टू आ रहा है, बट सब में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन यहाँ पे सीधा नहीं आ रहा, रीग्रुपिंग रीअरेंजिंग नहीं हो सकती, तीन टर्म्स हैं फोर टर्म्स नहीं है जब हम ग्रुप्स बना लें। अब आइडेंटिटी की बात आती है, देखिए एट किसी का स्केयर नहीं होता, टू टू ज़ा फोर होता है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, एट तो किसी का स्केयर है ही नहीं, तो अब यहाँ पे थर्ड रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। अब आ गया हमारा लास्ट रूल, फोर्थ रूल, दैट इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो मिडल टर्म होती है इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना, हमारे पास फोर टर्म्स आ जाएंगे और फिर हम रीग्रुपिंग कर लेंगे। रीग्रुपिंग करने के लिए हमें फोर टर्म्स चाहिए, तो वो हमें मिलेंगी हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब आपने ध्यान से सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो, कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना होता है, जो भी लास्ट है आपके पास, देखिए फर्स्ट स्केयर वाली होती है लास्ट बिना वेरिएबल के, जो भी मतलब वेरिएबल हो भी सकता है, बट यहाँ पे जो भी लास्ट आपके पास नंबर है आपने उसको फर्स्ट से हमेशा क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो एट वन ज़ा आगे कुछ नहीं है तो वन है, एट वन ज़ा एट। आपको ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं टू डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एट आ जाए, एंड प्लस या माइनस करने से आपके पास सिक्स है। देखिए फोर टू ज़ा एट होता है और फोर में टू प्लस करके सिक्स भी आ जाएगा, तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, फोर पी प्लस टू क्यू। साइन आपने वो यहाँ लेने हैं जो आपको यहाँ चाहिए कि प्लस करने से आए। देखिए फोर भी प्लस का होगा, टू भी प्लस का होगा, फिर ही प्लस 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 बनेगा, वो प्लस टू सिक्स प्लस का बनेगा। अब ये एक ग्रुप बन जाएगा आपका, ये सेकंड ग्रुप बन जाएगा। देखिए इसमें से हम पी कॉमन फाइंड कर लेंगे और अंदर पी प्लस फोर रह जाएगा, इसमें से टू बाहर आ जाएगा, फिर से पी प्लस फोर, तो पी प्लस फोर आपका एक फैक्टर आ गया एंड पी प्लस टू आपका सेकेंड फैक्टर आ गया। देन अब यहाँ पे देखिए फिर से 21 किसी का भी स्केयर कॉमन तो आ नहीं रहा, 21 किसी का स्केयर भी नहीं होता, 21 वन ज़ा 21। देखिए मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे हमें सम से सम को देख के समझ आ जाती है, कॉमन निकालना है, रीग्रुपिंग करनी है, आइडेंटिटी लगानी है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, 21 एंड आपको चाहिए माइनस 10, साइन का बहुत ध्यान देना है, साइन में गलती होगी सम रॉन्ग हो जाएगा। देन देखिए 7 थ्री ज़ा 21 होता है और 7 प्लस 3 10 भी होता है, बट यहाँ पे गलती हो जाएगी, हमें प्लस 3 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, अगर मैं 7 प्लस 3 कर दूँ तो हमारा आंसर पॉजिटिव 10 आ रहा है, तो हमें पॉजिटिव 10 नहीं, हमें तो नेगेटिव 10 चाहिए, तो 7 भी माइनस का लेना पड़ेगा आपको, 3 भी माइनस, माइनस प्लस होता है, साइन आएगा बड़े डिजिट का, तो यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर एज इट इज़ 7 पी माइनस 3 सॉरी क्यू, जो भी आपका वेरिएबल हो वही आपने एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे ये रफवर्क साइड में कर देते हैं, तो दोनों में से क्यू कॉमन, क्यू माइनस 7 माइनस 3 बार माइनस माइनस प्लस, क्यू प्लस का हो गया माइनस प्लस माइनस, तो क्यू माइनस 7 एक बार एंड क्यू माइनस 3 सेकेंड टाइम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए थर्ड और लास्ट पार्ट है हमारी इस एक्सरसाइज का, अब ध्यान से देखना है आपने, कॉमन नहीं आ रहा, रीग्रुपिंग नहीं हो रही, बट पी स्केयर ऑलरेडी है हमारे पास और 16 भी फोर का स्केयर होता है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, बट आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि ए स्केयर और बी स्केयर दोनों क्या होते हैं, प्लस के, यहाँ आ गया माइनस, ये भी ध्यान देना है आपने, यहाँ आ गया माइनस, और अगर आप आइडेंटिटी लगा भी देते तो क्या होता, पी स्केयर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे टू फोर ज़ा एट होना चाहिए था, यहाँ पे तो एट नहीं है सिक्स है, तो इट में यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग रही, हमें क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे,
16 वन्स आर 16, मल्टीप्लाई करके तो 16 चाहिए और प्लस माइनस करने से 6 चाहिए आपको। देखिए अगर मैं 8 टू ज़ा कर दूँ तो 8 टू ज़ा 16 होता है, एंड 8 में से 2 माइनस कर दे 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p। देखिए अगर मैं 8 में से 2 माइनस कर रही हूँ तब भी पॉजिटिव 6 आएगा, इसलिए 8 के साथ बड़ा साइन रखा है पॉजिटिव का। देन बड़े डिजिट का साइन आएगा इसलिए हमने 8 के साथ पॉजिटिव साइन रखा है कि हमारा साइन प्लस में ही रहे। माइनस 2 कॉमन, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 8 16। तो p प्लस 8 एक टर्म है एंड p माइनस 2 हमारा सेकेंड फैक्टर आ गया। देखिए हम इजिली मिडिलटर्म स्प्लिटिंग भी हमने सीख ली है। इन केस आपको कोई भी डाउट है मिडिलटर्म स्प्लिटिंग में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।